आप अपने भगवान को छोड़ के जाएंगी क्या मैडम? पायदा नंबर 8, पायदा नंबर 9। आइए पधारिए अपने स्वामी के द्वार में। हाय एपी, हाय एपी। अरे बॉस, आप तुम्हारा कमरा कितना अच्छा है। जी, कल ही रात को फर्नीचर इंपोर्ट किया है अमेरिका से। जी, मेरे नाना नानी के बारे में नहीं पूछोगी? कैसे हैं? ठीक है, 150 साल पहले मर चुके। सुनो तो सही, मनी मन में मेरे तन के बारे में क्या सोच रही है? ये सोच रहा होगा कि मैं इसे सॉरी बोलूंगी, लेकिन इसे भी समझना चाहिए ना कि दोस्ती में सॉरी या थैंक यू नहीं होता। बट इज लुकिंग सो क्यूट। चलो सॉरी बोल ही देती हूँ। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला मैं सॉरी बोलने वाली थी? देखिए, अगर लड़की इस परिस्थिति में खामोश खड़ी रहेगी तो वो किक्के पंच तो नहीं मारेगी, या तो सॉरी बोलेगी या फिर आई लव यू। पार्टी के दिन जो भी हुआ मुझे बहुत बुरा लगा, और बॉस भी बहुत पछता रहे हैं, और ऑफिस में तुम्हारे बिना दिल भी नहीं लगता। मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ, चलोगे? मैं कभी तुम्हारी बात टाल सकता हूँ? तो तुम चलोगे? ऑब्वियसली चलूंगा। अरे केवल बाबू, कहाँ की बहादुरी और कहाँ की शाबाशी। सर, वो क्या जरूरत थी उसे वहां घुसने की? पर वो ये काम सरकार का है। जी हाँ। पुलिस का है। जी हाँ। फौज का है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो, किस्मत अच्छी थी कि बच गया। बेटा, घर आए मेहमान से कोई ऐसे पेश आता है? देख तेरे बाबूजी कैसे बोर कर रहे हैं तेरे बॉस को। फौज वापस करती। इतनी मुश्किल से बेटा पाल पोस कर मैंने बड़ा किया। सो तो है, मर जाता तो है? नहीं, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही। क्या सही सही बोल रहे हो? मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिला रहे हो। सर, वो मेरे बेटे जैसा बहादुर इंसान था कोई वहाँ पर? नहीं, उसने अपनी जान पर खेलकर उन बच्चों की जान बचाई। बिल्कुल सही कहा। अरे इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर मैंने उसे बड़ा किया था। क्या बात, उसने मेरा सर आसमान से भी ऊंचा कर दिया। बिल्कुल आसमान आ गया मेरा बेटा। एपी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सर, एपी ने माफ भी कर दिया और चैनल वापस ज्वाइन करने के लिए तैयार भी हो गया है। ओह फैंटास्टिक एपी, थैंक यू। एपी ने इतनी जल्दी इतना बड़ा नाम कमा लिया है कि चैनल टीआरपी से थ्रू द रूफ। अमेजिंग, व्हाट अमेजिंग। दो चार इंटरव्यू लेके आ गया तो अपने आप को स्टार समझता है। ओए गोरे, तारीफ सुनने की आदत डाल, क्योंकि इस ऑफिस में तुझे मेरी तारीफ के गूंजे ही सुनाई देंगे। मेरा डायलॉग मुझ पे चिपका रहा है, बी ओरिजिनल यार। चल खेलेगा? लगा ले, सेट कर ले, जमा ले। प्लीज एपी, पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था ना, ही इज जेलीज चैंपियन, मत खेल। अरे दिल्ली को, बिल्ली को या गली को, जीतूंगा तुम्हें ही। टॉस। पता दाए में काली गोरे। टॉस में जीता हूं, गेम भी मैं ही जीतूंगा। ये कैसे हुआ? This is not possible. तूने किया कैसे? अंधी लाल मूंगी अल्बाइनो, देखा नहीं कैसे हुआ? बने तू? एपी का है? जिसे निकाला था वो एपी था, तू एपी नहीं है। Come on Rocky, एपी पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा है। Loser. चल। Loser. Loser. कारवा निकल गया, आप बॉल ही देखते रह गए। आलिया को देखिए, एक मिनट के लिए एपी का पीछा छोड़ती ही नहीं है। लेकिन मैं एपी का प्रॉब्लम जानता हूँ, वो प्रपोज नहीं कर सकता। मुझे लगता आलिया प्रपोज कर देगी। अच्छा? हाँ, तो मैं आज ही प्रपोज कर देता हूँ। एक काम कर, जब ऑफिस का लंच ब्रेक होगा तू दुल्हन का जोड़ा लेके आओ। अभी जाकर अपनी बीवी का ले आऊँ? सेकंड हैंड? हाँ। नहीं, ब्रांड न्यू। शादी का जोड़ा फॉर माय आलिया। 20,000 का जोड़ा आया, इतने में तो इंडिया में मोटरसाइकिल आ जाएगी मेरी। दुल्हन का जोड़ा? अरे यार, तू ये आलिया तक पहुँचा दे, उसने हाँ कह दी ना तो मोटरसाइकिल क्या, मैं तेरे को गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी ये दे यार। ऊपर वाले, अब सब तेरे हाथ में है। वही तो।
इधर किसने भेजा है? जी रॉकी साहब एल यू एस टी फॉर यू अरे भाई जाओ हेलो आलिया मेरा एसएमएस मिला मिला और मेरा गिफ्ट भी हाँ और आलिया जब भी तुम मेरे ख्यालों में आती हो तो इन्हीं कपड़ों में आती हो इन्हीं कपड़ों में मैं तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराना चाहता हूँ इन्हीं कपड़ों में मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ ऑफ कोर्स जरूर फिलहाल तो मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ शाबाश आलिया मार मार किसे बड़ा दिखा लिया रॉकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना गंदा एसएमएस भेजने की अच्छा दिखाओ जी इतना गंदा एसएमएस और जो कपड़े भेजे थे ना वो और भी गंदे थे वो दिखाओ मैंने लव भेजा था प्लस नहीं हाँ हाँ ये एसएमएस नहीं कोई चिट्ठी है जो रास्ते में बदल गई भाई शपथ तालिया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या समझती थी रॉकी और तुम क्या निकले आप पता है आलिया तेरी कितनी तारीफ किया करती थी लेकिन तू इतना चिचोरा इतना कमीना इतना घटिया निकला गिरगिट जी मुझे पता है कि आलिया तुझसे बहुत अपसेट है तू आलिया को कभी अपनी शक्ल मत दिखाना कभी देखेगी नहीं तेरी शक्ल को नहीं देखेगी दोस्तों इसलिए माफ कर देती हूँ इसके बाद मुझसे कभी बात मत करना यू गिरगिट अरे यार शादी का जोड़ा भेजा था कोई बिकनी थोड़ी भेजी थी तू एक काम कर अब तू बिकनी ही भेज अरे यार ये लव लस्ट हो गया इसमें तेरा तो कोई हाथ नहीं है नहीं हाथ नहीं पैर भी सर भी चल हाथ बल्कि पूरा के पूरा मैं हूँ इसके अंदर मेरी एक एडवाइस दे तू एक 30-40 साल की छुट्टी ले घर बैठ के आराम से सोचना लेकिन आलिया को तू कभी अपनी शक्ल मत दिखाना समझे अच्छा बेंजी अब हम चलते अरे लेकिन आपने तो कुछ खाया ही नहीं वो आज हमारा उपवास है अरे ठीक टाइम पे आ गया बेटा तू ये अपनी मधु के रिश्ते के लिए आए हैं नमस्ते ये हमारा बेटा है अरुण अरे इन्हें कौन नहीं जानता ये तो स्टार है भाई आपको हमारी बहन कैसी लगी वो हम कुछ दिन बाद सोचकर आपको जवाब देते हैं ठीक है जी नमस्ते 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 तू फिक्र मत कर इस बार हाँ ही होगी सोचकर बताएंगे नहीं सोच लिया कि दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर लेंगे पर इससे नहीं करेंगे बस आप कहाँ जा रही हैं? मेरी शक्ल अगर खराब है इसमें इतने सारे दाग हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है तू चल मेरे साथ मैं तुझे परी बना के लेके आता हूँ लो जी स्टार बाबू चल पड़े अपनी बहन को परी बनाने के लिए एक मिनट स्टार बाबू ये तो बताओ कि कौन सी फैक्ट्री में लेकर जा रहे हो अपनी प्यारी बहना को परी बनाने के लिए हाँ अरे बोलो 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 ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो क्या हुआ पानी लाओ क्या चाय अरे पर हुआ क्या है च्यवनप्राश ओ हेलो यस प्लीज क्या कराना है आपको फुल टोटल लुक चेंज करना है बालों के कलर से लेके चेहरे के दागों तक फुल डेंटिंग पेंटिंग और स्क्रबिंग करानी है देखिए ये तो कुदरती निशान है इन्हें तो गॉड ही ठीक कर सकता है गॉड हमको जितना आता है हम उतना कर देंगे नो प्रॉब्लम छोकरी छे खटारे के पास ये झयम पटाखा कहाँ से आ गई को तो पटाना है भाई तुम्हारे
चलो। एपी भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? जो भाई आज बड़ा सुर बदल के बात कर रहे थे। चलो ना भैया दुकान पर चल के चाय पीते हैं, आप कभी आते नहीं हो। इन्हें भी ले लो, फोन नहीं है। मेरी बहन मधु। मधु, अरे पहले कितनी भयंकर दिखती थी, आज कितनी भयंकर लग रही है। चलो ना भैया दुकान में चल के चाय पीते, प्लीज प्लीज। देख इधर, अरे नहीं बात इधर कर रहा है, पिटना है, मार खाना है। आज मार पिटाई की बात मत करो, आज प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। हाय एपी, अरे ये कौन है? ये मधु है। और वाओ मैडी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। क्यों भाई तू वापस जाता नहीं क्या? जाना तो है, मगर माँ कह रही थी कि शादी करके चले जाना। और अब तुम जरा सोचो, मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसकी तो जिंदगी बन जाएगी ना। अब मैं इतना सोना पहनता हूँ तो उसको कितना पहनूंगा। तेरे लिए मैंने एक लड़की खोज रखी, वो देखो। तू लोडर, वो झाड़ू लगाएगी। अच्छी जोड़ी है ना भैया, अपने मोहल्ले की लड़की कहीं नहीं जाएगी, अपने मोहल्ले में ही शादी करेगी और मोहल्ले में ही रहेगी। जब दिल चाह तो अपनी माँ से मिल सकती है, अपने बाप से मिल सकती है, अपने भाई से मिल सकती है। जी भैया आदेश करें। ये लीजिए माँ। पहचाना इसे? अरे मधु, अरे मेरी बेटी तो सच में परी हो गई, इसे किसी की नजर ना लगे। सारे शहर की नजर लग चुकी है। आप इसे घर में ही रखेगा, नहीं तो पूरा मोहल्ला पिटेगा मुझसे। कितनी प्यारी लग रही है बाबूजी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? बाहर मोहल्ले में बहुत नाराज हो रहे थे। कोई मेरी बहन को गंदी नजर से देख रहा था। अब भाई गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा? तुम इंसान भी बड़े नाशुक्र हो। क्या? हाँ, जब तुम्हारी बहन को कोई देख नहीं रहा था तब परेशान थे, अब सारा शहर देख रहा है तभी परेशान। ये देखो छिछोरा कहीं का। अरे आप ऐसे छिछोरा लोगों को पैदा करते क्यों? भाई मैंने तो इसे इंसान ही पैदा किया था, यहाँ दुनिया में आकर छिछोरा हो गया तो मैं क्या करूँ? अबे यहाँ पे क्या करने आया तू? बल बदलने आया? नहीं वो, नहीं नहीं, खंबा नापने आया। तो फिर? अरे तेरी बहन को देखने आया हूँ खटारे। सॉरी बॉस।